इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है, और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता, चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है, दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए, यहाँ ज्यादा नहीं लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थी, यहाँ कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार, 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहाँ पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है, और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है, कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूँ सिर्फ पॉलिसी, वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिल के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई, और इसका असर क्या पड़ता है। आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है भाई आएगा तो मोदी ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.